हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चित्रा साइंस अब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नोम क्लचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स जैसे कि हमें पता है एंजाइम्स क्या है प्रोटीन कैटालिस्ट हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं एंजाइम्स को दो तरीके हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स को नाम देने के पहला हम उन्हें ट्राइवल नेम्स देते हैं और दूसरा सिस्टमिक नेम्स ट्राइबल नेम्स क्या है कॉमन नाम है आपके एंजाइम कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले एंजाइम्स को ट्राइवियल नेम दिए गए थे ट्राइवियल नेम में क्या है जो भी कोई रिएक्शन है उसमें या तो सबस्टेट के नाम के साथ हम एज जोड़ देते हैं या वो किस टाइप का रिएक्शन है जैसे आपका डिहाइड्रोजिनेशन है या किस टाइप का रिएक्शन है उसके साथ हम एज जोड़ देते हैं तो ट्राइवल नेम में सबस्टेट के नाम के साथ या जो वो रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है उस टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ हम सफिक्स एज जोड़ देते हैं जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करता है एंजाइम लैक्टेज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो लैक्टोज है तो हमने लैक्टोज जो आपका सबस्ट्रेट है उसमें हमने एज लगा के बना दिया लैक्टेज एंजाइम तो लैक्टेज एंजाइम जो है यहाँ पर लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस ग्लूकोज और गैलेक्टोज में करता है तो यहाँ पर लैक्टेज जो है वो सबस्टेट के नाम को इंडिकेट करता है अब दूसरा देखते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस ये क्या करता है डिहाइड्रोजिनेशन करता है लैक्टेट का पायरुवेट में यहाँ देखिए लैक्टेट है लैक्टेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है आपका पायरोवेट में तो इसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो एन को दिए जा रहे हैं और एन का रिडक्शन हो रहा है एन प्लस एच पॉजिटिव में तो यहाँ पर जो नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस वो किस टाइप का रिएक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि इस रिएक्शन में जो है लैक्टेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है अब सिस्टेमेटिक नेम क्या है 1955 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ने एंजाइम कमीशन अपॉइंट किया था फोर नॉमिन कलेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स इस एंजाइम कमीशन ने हर एंजाइम को एक सिस्टमेटिक नाम दिया है इन एडिशन टू ट्राइबल नेम्स ट्राइबल नेम भी एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ साथ सिस्टेमेटिक नाम भी हर एंजाइम को दिया गया सिस्टमेटिक नेम में हर एंजाइम के दो पार्ट हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है फुल नेम है सबस्टेट का और सेकेंड टाइप में है कि उस रिएक्शन में कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो कैटालाइज कर रहा है एंजाइम और उसके बाद हमने सफिक्स लगाया है एस अब एग्जाम्पल देखते हैं लैक्टेट का डिहाइड्रोजिनेशन है पायरुवेट में एनएडी जो है ये इस्काइप्टर है और लैक्टेट जो है डोनर है तो आपका नाम सबस्टेट क्या है लैक्टेट किसे दे रहा है एन ए डी को तो लैक्टेट सेमिकोलन एन ए डी प्लस रिएक्शन क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन है तो ऑक्सीडो ऑक्सीडोरिडक्टेज तो इसका सिस्टमिक नेम हुआ लैक्टेट एन ए डी पॉजिटिव अब एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को सिक्स मेजर क्लासेस में डिवाइड किया ऑक्सीडोरिडक्टिस ट्रांसफीरेजिस हाइड्रोलेजिस लाइएज आइसोमरेजिस और लाइगेज अब हम देखते हैं हर एक क्लास में क्या क्या होता है ऑक्सीडो रिडक्टेस क्लास जो है इसमें एंजाइम कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र ऑक्सीजन एटम का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखो ए एच टू प्लस बी ये डोनर है हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का बी एसेप्टर है ए ने जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दिए बी को तो ए का ऑक्सीडेशन हो गया और बी का रिडक्शन हो गया बी एच टू में डी हाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेजेस ऑक्सीडेज जो है वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में लैक्टेट से ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन टू एन और एन का रिडक्शन होता है एन में इस क्लासेस को सिस्टमिक नेम हम देते हैं डोनर सेमिकोलन एसेप्टर ऑक्सीडो रिडक्टेज डोनर है लैक्टेट एसेप्टर है एन पॉजिटिव ऑक्सीडो रिडक्टेस कॉमन नाम जो है इस क्लास का वो है डिहाइड डोनर का नाम उसके साथ हम डिहाइड्रोजिनेज लगा देते हैं कई बार टर्म रिडक्टेज भी हम यूज़ करते हैं और ऑक्सीडेज टर्म हम तब यूज करते हैं जब ऑक्सीजन जो है वो एसेप्टर होता है जैसे कि एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड प्लस ओटू एक्सकॉर्बिक एसिड का हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज हमने यूज़ करा क्योंकि यहाँ पर जो एसेप्टर है वो ओटू है और आपका बन गया डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड दूसरी क्लास ट्रांसफीरेजिस ट्रांसफेरेजिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें ट्रांसफ़र है एक एटम या ग्रुप का फ्रॉम वन सब स्टेट टू अनदर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी यहाँ पर एक्स जो है इस ग्रुप का ट्रांसफ़र हुआ ए से बी में बन गया बी एक्स प्लस ए जो ऑक्सीडोरिडक्टेज है जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो इस क्लास को बिलोंग नहीं करते अब कौन से एंजाइम्स आते हैं इसमें काइनेजिस जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं ट्रांस एमिनेज जो आपका एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं ट्रांसकीटोलेस जो दो कार्बन ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांस एल्डोलेस जो तीन कार्बन ट्रांसफर करते हैं पी पी पाथवे में यूज होते हैं दोनों एनजाइम ट्रांसकीटोलेस और ट्रांसल्डोलेस ये सारे एंजाइम्स जो है इस क्लास को बिलोंग करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं हेक्सो कैटालाइज करते हैं फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र फ्रॉम ए टू ग्लूकोज डोनर है एटीपी, एसेप्टर है ग्लूकोज और बन गया आपका ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अब सिस्टमिक नेम क्या होते हैं ट्रांसफ़ेरेज़ के डोनर कॉलन एसेप्टर ग्रुप ट्रांसफीरेज कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हुआ अब हमने पीछे देखा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज में डोनर एटीपी था एसेप्टर था हेक्सोस शुगर ग्रुप जो ट्रांसफ़र हुआ वो है फोस्फो ट्रांसपीरीज ए टी पी हेक्सो सिक्स फोस्फो ट्रांसपीरीज कॉमन नाम जो है इन एंजाइम्स के एसेप्टर का नाम डोनर का नाम उसके बाद ग्रुप और एंड में हम लगा देते हैं ट्रांसफीरेज जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन है जिसमें एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर है एस्पार्टेट से टू एल्फा कीटोग्लूटरेट तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा एस्पार्टेट जो है ये डोनर है अमीनो ग्रुप का तो एस्पार्टेट ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ एमिनो एमिनो ट्रांसफेरेज हाइड्रोलेजिस हाइड्रोलेजिस एंजाइम जो है ये हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे बोंड तोड़ेंगे विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर जैसे कि सी ओ बंड है सी एन बोंड है या सी सी बोंड है बोंड टूटेंगे और यूज़ होगा वाटर फोस्को एन बोंड जैसे ए टी पी है ए टी पी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो भी आपका हाइड्रोलेजिस क्लास में ही आएगा तो यहाँ पर हमने ए बी सबस्टेट दिखाया है प्लस वाटर से हमने इसे तोड़ा है ए बी को तो ए ओ एच ए के साथ आ गया और एच जो है वो बी के साथ आ गया अमाइलेज जो स्टार्च का हाइड्रोलाइस करते हैं प्रोटीज जो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं न्यूक्स जो न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं लाइपेज जो लिपर्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं एग्ज़ाम्पल देखते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेटेस इसमें ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट का जो है इसमें हमने जो ये फोस्पो एन बॉन्ड है ये बॉन्ड तोड़ा है फॉस्फेट तोड़ा है विद द हेल्प ऑफ वाटर ओ एच OH यहाँ पर आकर लग गया और एच जो है हमारा वो ये जो हमने फॉस्फेट निकाला है इसमें आप क्या इसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है यहाँ एस्टरबोंड सॉरी एस्टर बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड का क्लीवेज कर रहा है अब सिस्टमिक नाम कैसे लिखते हैं हम इन एंजाइम्स का सबस्टेट का नाम ए और हाइड्रोलाइज ए जो है वो बताएगा कौन सा रिमूव ग्रुप जो है वो हाइड्रोलाइसिस से रिमूव हुआ है जैसे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज में सबस्टेट क्या है डी ग्लूकोज है हमने जो ग्रुप यहाँ से हटाया है फॉस्फेट ग्रुप हटाया है सॉरी सब्स्टेट है इसमें ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट हटाया क्या है फॉस्फो हमने फॉस्फेट ग्रुप हटाया है आगे हमने हाइड्रोलेस लगा दिया तो सिस्टमिक नाम हुआ इसका ग्लूकोज सिक्स टीज कॉमन नाम में इनमें हम सबस्टेट का नाम लेते हैं और उसके साथ हम एज जोड़ देते हैं जैसे यहाँ पर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट था तो हमने उसके साथ एज जोड़ दिया ग्लूकोज सिक्स पॉस्पिटीज ये हो गया इनका कॉमन नाम अब देखते हैं लाइएज लाइज में क्या है वाटर यूज़ नहीं होगा लेकिन यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप का रिमूवल होगा इसमें डबल बॉन्ड या तो क्रिएट करेंगे या हम एडिशन करेंगे फंक्शनल ग्रुप का एकरोस ए डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप या तो रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे जैसे एग्जांपल ए बी जो है ये सब स्टेट है इनके बीच में डबल बॉन्ड है एक्स वाई जो है ये फंक्शनल ग्रुप हमें ऐड करना है तो हमने डबल बॉन्ड के एकरॉस फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया तो ये डबल बॉन्ड से अभी सिंगल बॉन्ड हो गए इसमें कॉमन एग्जाम्पल है एल्डोलेज डिकार्बोक्सीजेज फ्यूमेरेट सिट्रेट सिंथेस जो है वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं एग्ज़ाम्पल देखते हैं पायरुवेट का डिकार्बोक्सीलेशन हुआ एसीटल डिहाइड में कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल हुआ है यहाँ पे, सी ओ ग्रुप का यहाँ से ये टूटा है सिस्टमिक नाम क्या होते हैं एंजाइम्स का सबस्टेट का नाम ग्रुप प्लस लाइएस जैसे पायरुवेट डिकार्बोक्सीज में सबस्टेट पायरुवेट है इसे हम ऑक्सो एसिड भी कहते हैं टू ऑक्सो एसिड ग्रुप जो रिमूव हुआ कार्बोक्सी आगे लाइज़ यह है सिस्टमिक नाम पायरुवे डिकारबोक्सीस का कॉमन नाम जो है इन एंजाइम्स के वो हैं डार्बोक्सीस एल्डोलेस एलिमिनेशन रिएक्शन में जहाँ हम तोड़ रहे हैं बॉन्ड किसी ग्रुप को अलग कर रहे हैं सिंथेस जहाँ हम दो चीजों को जोड़ के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा डबल बॉन्ड पे, तब कॉमन नाम हाइड्रेटीज आ जाएगा जैसे फैटी एसिड सिंथेज में इनोल सी ए है उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड तो यहाँ पर एंजाइम का नाम इनोल सी ओ ए हाइड्रेटिज आएगा नेक्स्ट क्लास आइसोमेरेज़ेस। आइसोमेरेज़ेस में हमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे विद इन द मोली यहाँ पर ज्योमेट्रिकल या स्ट्रक्चर चेंजेस होंगे तो इन्हें हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं ए को हमने बी आइसोमर में चेंज कर दिया एग्ज़ाम्पल देखते हैं हाइड्रोक्सी ऐसीटोन फॉस्फेट को हमने ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट में चेंज किया ग्लिसरल डिहाइड से डाईहाइड्रोक्सी में भी होता है डाईहाइड्रोक्सी से फॉस्फेट में भी दोनों रिएक्शन ट्राइज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम कैटेलाइज करता है कीटो को एल्डो में या एल्डो को कीटो में चेंज करना है आप देखते हैं सिस्टमिक नेम क्या होते हैं इन एंजाइम्स के सिस्टमेटिक नेम सबस्टेट कौन सा रिए आइसोमेजेशन आइसोमेराइजेशन कौन सा टाइप का हो रहा है एल्डोज कीटोज में चेंज हो रहा है यह आपका कीटोज एल्डोज में और आगे हम लगा देते हैं आइसोमरीज अब ट्रायोज फॉस्पेट आइसोमेरेज का नाम लिखें सब्स्टेट अगर ग्लिसरल डिहाइड से हम बना रहे हैं तो ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्पेट ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्पेट से हम बनाते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्पेट तो एल्डोज कीटोज में चेंज हो रहा है आगे आइसोमेरेज़ कॉमन नाम है इन एंजाइम्स के रेसिमेज़, एपीमेरेज़, आइसोमेरेज़ या आपका म्यूटेस अब देखते हैं अगली क्लास लाइगेस लाइगेस में क्या है ज्वाइनिंग होती है दो मोलिक्यूल्स की यहाँ पर हम फॉर्मेशन करेंगे बॉन्ड की लाइएज में बॉन्ड टूटा है यहाँ पर बनेगा सी सी बॉन्ड सीओ बॉन्ड और सी एन बोंड यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व होगी इन एंजाइम्स को हम सिंथेटेज भी कहते हैं इन ज्वाइनिंग में एनर्जी यूज़ होगी जैसे कि ए प्लस बी को हमने जोड़ा और ए बी बना दिया तो ए टी पी ने इसे एनर्जी दी ए टी पी का ब्रेक डाउन हुआ ए डी पी या पी आई में या ए एम पी प्लस पी पी आई में भी होता है एग्जाम्पल देखा ग्लूटामीन सिंथेटेस, ग्लूटामेट से हमने ग्लूटामीन बनाया है यहाँ पर सी एन बोंड यहाँ पर सिंथेसिस हमने फॉर्मेशन की है सी एन बॉन्ड की एंजाइम का कॉमन नाम ग्लूटामीन सिंथेटेस अब देखते हैं सिस्टमिक नाम हम इन्हें कैसे देते हैं ए बी लाइगेस ए था इसमें ग्लूटामेट से हमने बनाया ग्लूटामीन आगे लाइगेस एक नई क्लास एट टू हंड्रेड टू थाउजेंड एटीन में आपकी एड हुई है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो है ट्रांस लोकेज़ेस। ट्रांस लोकेज़ेस में हमने वो सब एंजाइम्स रखे हैं जो आयंस या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करते हैं एक्रॉस द मेम्ब्रेन या उनका सेपरेशन करते हैं विद इन टू मेम्ब्रेन्स। तो जो आयंस और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्रॉस द मेम्ब्रेन्स उन सब एंजाइम्स को हमने नई क्लास ट्रांस के अंदर रखा है अब एंजाइम कमीशन ने हर एंजाइम को एक ईसी नंबर दिया है इसी नंबर में चार डिजिट होंगी पहली डिजिट बताएगी कि वो रिएक्शन कौन सा है जैसे हमने छह क्लासेस में डिवाइड किया पहली ऑक्सीडो रिडक्टेज है दूसरी आपकी ट्रांसफीरेज है तो जो अगर नंबर वन है तो वो बताएगा कि ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन है बी नंबर बताएगा सबस्टेट क्या है उसका या कौन सा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है जो आपका ट्रांसफ़र हुआ सी जो है वो सब सब क्लास है वो इंडिकेट करेगी दूसरा को सबस्टेट जिस पर हम जो है ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहे हैं डी जो है सब सब क्लास है जो उस एंजाइम का सीरियल नंबर बताएगी अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस क्या है लैक्टेट का डिहाइड्रोजिनेशन करेगा पायरुवेट में तो ये पहली क्लास को बिलोंग करता है तो नंबर वन जो है वो बताएगा क्लास ऑक्सीडो अगला नंबर वन बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है इस क्लास के अंदर नेक्स्ट डिजिट जो बताती है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है थर्ड डिज़िट बताती है एक्सेप्टर क्या है और ये सीरियल नंबर तो पहला नंबर है एल्कोहल का कि एल्कोहल अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो अगली डिज़िट हम वन लिखेंगे उससे आगे अगर एन ए डी पी पॉजिटिव एन ए डी पॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो अगली डिज़िट होगी वन और 27 जो है वो सीरियल नंबर है इस एंजाइम का तो इसका जो ई नंबर है वो वन 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 ट्वेंटी सेवन पहला क्लास शो करेगा फिर सब क्लास अगला सब सब क्लास और फिर लास्ट वाला सीरियल नंबर दिस इज़ ऑल अबाउट नोमिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स थैंक यू